इस वीडियो में जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा इटली वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। मैच का वेन्यू होगा न्यूट्रल वेम्बली। किक ऑफ होगा रात में 12:15 AM पे। अब दोस्तों जो ये वाला मैच है ना, ये है यूरो विनर्स इटली वर्सेस कोपा अमेरिका विनर्स अर्जेंटीना के बीच, और इस फिक्चर को नाम दिया गया है फाइनलिसिमा, यानी कि जो टीम ने यूरो जीता है उसका मैच है जो टीम ने कोपा अमेरिका जीता है। जैसा कि आप कह लीजिए यूएफा सुपर कप नहीं होता, जो यूरोपा लीग विनर्स वर्सेस चैंपियन लीग विनर के बीच, वैसी टाइप का ये मैच है। अब मैच है न्यूट्रल वेन्यू में, तो किसी एक टीम को भी होम एडवांटेज यहाँ पे नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इटली जो है ना, इन्होंने यूरोज जरूर जीता लेकिन ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और इटली जैसा बड़ा नेशन आपको इस साल जो एंड में वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें दिखाई नहीं देगा, जबकि अर्जेंटीना ने कंफर्टेबली इजिली वर्ल्ड कप के लिए अपना वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है और क्वालिफाई कर लिया है। तो वहीं अगर मैं आपको रिसेंट फॉर्म दिखाऊं, तो यूरो के बाद से ना इटली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ख़राब वो फुटबॉल खेले हैं, इसी वजह से वो वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर मैं आपको उनके लास्ट दो मैचेस दिखाता हूँ, तो जो उन्होंने दो लास्ट मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, उसमें आप देखेंगे नॉर्थ आयरलैंड जैसे क्लब से उन्होंने गोल्डन ड्रॉ खेला जहाँ पे उनको जीतना चाहिए था, और एंड में वो नॉर्थ मैसेडोनिया से 1-0 से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो जो पिछले दोनों मैचेस खेले हैं, दो अपने से काफ़ी कम लेवल के, अपने से वीक अपोनेंट के अगेंस्ट वो एक में ड्रॉ करा बैठे हैं और एक वो हार गए हैं। तो जो रिसेंट फॉर्म है इटली की बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, जबकि अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में जब से वो कोपा अमेरिका जीते हैं। अगर मैं आपको अर्जेंटीना के लास्ट दो रिजल्ट दिखाऊं, तो सबसे पहले उन्होंने 3-0 से वेनेजुला को हराया था, ये इनके वहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ही थे, और इस मैच में लियोनल मेसी, एंजल डी मरिया और निको गोंजालिस ने स्कोर किए थे, तीनों ने एक एक गोल मारा था, रोड्रिगो डी पॉल के दो असिस्ट थे और डी मरिया का एक असिस्ट भी था। बाकी उसके बाद अर्जेंटीना ने इक्वेडोर से एक 1-1 का ड्रॉ खेला है, उसमें जूनियर अल्वारेज जो कि अभी मैनचेस्टर सिटी के लिए न्यूली साइन हुए हैं उन्होंने स्कोर किया था। तो देखा जाए रिसेंट फॉर्म भी अर्जेंटीना के फेवर में है, क्योंकि इटली की रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। अब मैं आपको एक मैच फैक्ट बताता हूँ, वो है कि अर्जेंटीना आर करेंटली ऑन अ 31 गेम अनबीटन रन। द लास्ट टाइम दे लॉस्ट अ मैच वॉज अगेंस्ट ब्राजील इन द 2019 कोपा अमेरिका। यानी कि अर्जेंटीना इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, और 31 गेम से अनबीटन है पिछले, और लास्ट टाइम वो 2019 में हारे थे ब्राजील के अगेंस्ट, जो इससे भी पहले वाला कोपा अमेरिका का फाइनल था। तो आप समझ लीजिए कि कितना बेहतरीन फुटबॉल अर्जेंटीना खेल रही है लास्ट कुछ एक दो ईयर से। बाकी अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, फॉर्म वगैरह भी बताई, फैक्ट भी बताई एक दो, वो इसी तरह इंडिकेशन कर रही है कि अर्जेंटीना इस मैच में फेवरेट होगी। दूसरा, इटली के कुछ मेन प्लेयर्स भी यहाँ पे अनअवेलेबल हैं, इस वजह से भी मैं यहाँ पे एज अर्जेंटीना को दूंगा। बट इटली अभी वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, थोड़ा बहुत उसका गुस्सा होगा, मे बी वो अर्जेंटीना पे निकाल सकते हैं। इटली भी बड़ा क्लब है, बड़ी कंट्री है सॉरी, यूरो उन्होंने जीता है, उनके पास भी अच्छे फुटबॉलर हैं, एनी डे वो अर्जेंटीना को टक्कर दे सकती है। बट रिसेंटली फॉर्म वगैरह जो भी हमें इंडिकेट इसी तरफ कर रही है कि फेवरेट यहाँ पे इस मैच में अर्जेंटीना ही होने वाली है, तो अभी के लिए मैं अर्जेंटीना को ही बैक करके अपनी टीम बनाऊंगा। हाँ, आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन इटली, कुछ अर्जेंटीना और कुछ ड्रॉज वाले कॉम्बिनेशन ले जा सकते हैं। तो फिलहाल प्रोबेबल लाइनअप पे हम आते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेस हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं, उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंट में, वहाँ से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। 4500 के आसपास सब सारा चैनल आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं प्रोबेबल लाइनअप पे, पहले बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेट या स्लाइट फेवरेट हो सकते हैं, अभी के लिए मैं इनके थोड़े ज़्यादा प्लेयर पिक करूंगा, यानी कि 6 या 7 प्लेयर में इनके ही पिक करने वाला हूँ, और अपोनेंट इटली के पिक करूंगा 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लेयर्स। तो ऐसी कोई इंजरी न्यूज़ तो अर्जेंटीना की है नहीं, तो इनकी 11 देखते हैं। इमिलियानो मार्टिनेज इनके गोलकीपर होंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग प्रीमियर लीग के वन ऑफ द टॉप गोलकीपर है, एस्टन विला में खेलते हैं। 4 इनके डिफेंडर हैं, मोलिना जो कि वहाँ सीरिया में खेलते हैं, क्रिश्चियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंदी और अकुनिया। अब आप इनकी डिफेंस बैकलाइन देखिए कितनी ज़्यादा सॉलिड है, और अगर इस मैच में मुझे किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा, मैं अर्जेंटीना को करूंगा। ऑल्दो इटली के पास भी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर हैं, बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट अर्जेंटीना है, तो इनकी मुझे क्लीन शीट का ज़्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि जो इटली के अटैकर है ना लास्ट कुछ टाइम से वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहे, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी एक टीम की क्लीन शीट आ सकती है वो अर्जेंटीना हो सकती है। तो अभी के लिए मैं इनके ही मैक्सिमम डिफेंडर भी करूंगा, मैं इन 4 में मिनिमम 3 डिफेंडर तो आपको श्योरली रिकमेंड करूंगा, आप
चारों के चारों भी पिक कर सकते हैं, बट इनकी मिडफील्ड और अटैक में इतनी ज़्यादा क्वालिटी है ना, आप किसी एक बंदे को ड्रॉप करने करके एक एक्स्ट्रा डिफेंडर लेंगे, वहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई पोटेंशियल गोल स्कोरर ड्रॉप करके एक्स्ट्रा डिफेंडर ले जाते हैं तो वहाँ पे आपका मे बी लॉस हो जाए। तो अभी के लिए मैं डिफेंडर पिक कर रहा हूँ तीन ही, और मैं एक एक्स्ट्रा अटैकर यहाँ पे ले जाने वाला हूँ। अभी इनके डिफेंस में मेरी टॉप थ्री चॉइस रहेंगे अकुनिया, रोमेरो एंड ओटामेंदी। किसी एक को ड्रॉप करना होगा मैं मोलिना को करूँगा। अकुनिया बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, इस पोजीशन से कभी भी असिस्ट वगैरह कर सकते हैं, सविया में खेलते हैं। ओटामेंदी और रोमेरो दोनों बहुत सॉलिड हैं डिफेंसिव वाइज भी, हेडर्स में भी दोनों सॉलिड है। ओटामेंदी आपको याद होगा पहले मैन सिटी में खेलते थे, अब ये पोर्टुगीज लीग में खेलते हैं, और रोमेरो टॉटनम के लिए खेलते हैं। तो ये मेरी टॉप थ्री चॉइस है। ऑल्दो मोलिना भी अच्छे हैं, अपने वहाँ ये लीग में सीरिया में किसी यूडिनेसी नाम के क्लब में खेलते हैं, वहाँ ये थोड़ा अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ ये राइट मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं, इसलिए वहाँ इनके गोल असिस्ट ज़्यादा है। लेकिन अर्जेंटीना में एज अ राइट बैक खेलेंगे, उतना ज़्यादा गोल असिस्ट नहीं मारेंगे, लेकिन केपेबल जरूर है। बट मैं इनको अभी के लिए इसलिए भी ड्रॉप कर रहा हूँ ना, क्वालिटी है इनके पास, डिफेंसिव वर्क भी कर सकते हैं, गोल असिस्ट भी कर सकते हैं इस पोजीशन से। लेकिन इस पोजीशन में ना अर्जेंटीना के पास तीन तीन प्लेयर है, एक वन फॉय है विलेरियल के प्लेयर, एक और प्लेयर है मॉन्टियल नाम का जो सविया में खेलता है, एक मोलिना है। तो ऐसा हो सकता है मोलिना जल्दी सब्सिट्यूट हो जाए, और बाकी अभी के लिए मैं इनसे ऊपर ही अकुनिया, रोमेरो और ओटामेंडी को रखूंगा। इस वजह से अभी मैं इन तीनों के साथ जा रहा हूँ। आपको चार चूज करने हैं, आप मोलिना के साथ जा सकते हैं, या मे बी आपको लगता है मोलिना ज़्यादा अच्छा करेंगे, मे बी आप ओटामेंडी को ड्रॉप करके मोलिना को पिक कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए रोमेरो, ओटामेंडी और अकुनिया के साथ जा रहा हूँ। गीडो रोड्रिगो डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे, प्लेयर अच्छा है, डिफेंसिव पॉइंट दे सकता है, बट मैं अभी वे ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर से फोकस कर रहा हूँ, इस वजह से मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ग्रैंड लीग में लो स्कोरिंग टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। युवांकी लो सेल्सो लास्ट कुछ लास्ट कुछ मंथ बहुत अच्छे गए विलेरियल के लिए, अच्छा प्लेयर है, गोल असिस्ट कर सकता है, डिफेंसिव वर्क भी दे सकता है, लेकिन अभी मेरे को इनसे भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन ग्रैंड लीग की आपकी बहुत बड़ी पिक बन जाएगा युवांकी लो सेल्सो, अगर आप जीएल में अर्जेंटीना फेवर की एक दो टीम ले आ रहे हैं, श्योरली किसी एक टीम में आप इनको मेसी या लोटारो मार्टिनेज के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन से के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, बट अभी के लिए स्मॉल लीग में मैं पिक नहीं करूंगा। रोड्रिगो डी पॉल मेरे अकॉर्डिंग इनका सबसे मेन मिडफील्डर है, अर्जेंटीना के लिए बंदा हर चीज़ करता है, एटलेटिको मैड्रिड में उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन अर्जेंटीना में जब भी खेलता है डिफेंसिव वर्क भी करता है, पासेस असिस्ट करता है, गोल मारता है, कॉर्नर किक फ्री किक शेयर करता है मेसी और दूसरे डी मरिया के साथ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी पॉल मस्ट पिक रहेंगे, और आपको याद होगा इनका वो असिस्ट जो इन्होंने फाइनल में दिया था कोपा अमेरिका के डी मरिया को, क्या वर्ल्ड क्लास वो असिस्ट था। तो रोड्रिगो डी पॉल मेरे अकॉर्डिंग 100% रिकमेंड करूंगा, और अगर मैं आपको इनके स्टेट दिखाऊं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, तो इन्होंने एक गोल और चार असिस्ट किए हैं। बाकी फॉरवर्ड में मेसी मस्ट पिक रहेंगे, इस कंट्री के टेलिस्मैन है, पूरे वर्ल्ड के टेलिस्मैन है एक तरीके से। लोटारो मार्टिनेज मस्ट पिक रहेंगे, जब से अर्जेंटीना नेशनल टीम में खेलने लगे बहुत इंप्रेसिव की परफॉर्मेंस किया है, 7 गोल मेसी के और 7 गोल 3 असिस्ट लोटारो मार्टिनेज के हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। बाकी कभी इंटर मिलान के लिए भी टॉप स्कोरर थे, आपको याद होगा सीरिया में। डी मरिया भी मस्ट पिक रहेंगे, पीएसजी के प्लेयर है, अब तो पीएसजी लीव करने वाले हैं, लेकिन अर्जेंटीना नेशनल टीम में जब भी मौका मिलता है बहुत अच्छा करते हैं, खासतौर पर बड़े मैचेस में आपने देखा होगा, कोपा अमेरिका के फाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था, आज भी अच्छा कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये तीनों फॉरवर्ड हो गए, रोड्रिगो डी पॉल हो गए, चार में मस्ट पिक कर रहा हूँ, और फिफ्थ सिक्स सेवन मेरे होंगे रोमेरो, ओटामेंदी और अकुनिया। बाकी मैंने बता दिया, आप ओटामेंदी वाले प्लेस में मोलिना पिक कर सकते हैं, या अगर आप चारों के चारों डिफेंडर ले जाना चाह रहे हैं उस केस में आपको बड़ा कॉल लेना पड़ेगा, मे बी डी मरिया या डी पॉल में एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेसी और लोटारो मार्टिनेस ऐसे प्लेयर हैं जो इजीली अपने दिन में हैट्रिक मार सकते हैं, इस वजह से इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। तभी मैं कह रहा हूँ अभी के लिए मैं सीधे सीधे चारों अटैकर और ये तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूँ। बाकी पेनल्टी में मैसी होंगे, फ्री किक वगैरह मोस्टली मैसी लेते हैं, डी पॉल उनके साथ शेयर करते हैं फ्री किक, कोई कोई और डी मरिया भी शेयर करते हैं। तो ये अर्जेंटीना की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, और ये मैंने इनके लिखे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के स्टैट। अपोनेंट की बात करने से पहले फिर से रिमाइंड दिला दूं, इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेस हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं, उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, 4500 के आसपास सब्स वाला चैनल आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इटली की। इटली वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, और आप देखिए इतने बड़े बड़े मेन प्लेयर्स बाहर हैं, बेराडी और किएसा बाहर है, और इमोबिले इनको तो स्क्वाड में ही जगह नहीं दी है, क्योंकि अब जो इनके मैनेजर है रोबर्टो मैंजिनी वो यंगस्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इटली थोड़ी बहुत वीक लग रही है। डोनारोमा इनके गोलकीपर होंगे, मेसी के पीएसजी टीममेट है, आज मेसी के अगेंस्ट खेलेंगे, अच्छे शॉट स्टॉपर हैं। अभी के लिए मैं इनके साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अर्जेंटीना फेवरेट है, ज़्यादा अटैक कर सकती है, तो मैं डोनारोमा के साथ जा रहा हूँ। आप मे भी चाहे तो इमिलियानो मार्टिनेस को भी पिक कर सकते हैं। चार इनके डिफेंडर, डी लोरेंजो, कियलिनी, लोनाडो बनीची और एमरसन। अब इनके डिफेंस में भी एक दो अच्छे प्लेयर हैं, और एक चीज़ बताओ, कियलिनी का ये लास्ट मैच है इटली के लिए, कितना लंबा करियर आज फाइनली एंड हो जाएगा,
तो आप ना एक ग्रैंड लीग टीम में कियालिनी को पिक कर लेना, क्योंकि लास्ट मैच है, मोटिवेटेड होंगे, हो सकता है इटली 1-0 नैरो मार्जिन से जीते और वो एक हेडेड में गोल कियालिनी मार दे, क्योंकि हेडर में सॉलिड है और लास्ट मैच है, थोड़ा मोटिवेटेड तो रहेगा ही बंदा। बट स्मॉल लीग में अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। मैं डी लोरेंजो और बोनुची में किसी एक के साथ जाऊंगा। डी लोरेंजो बहुत अटैक करते हैं इस पोजीशन से, यूरो में इनके वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर थे और डिफेंसिव वाइज भी अच्छे हैं। बोनुची टैकलिंग इंटरसेप्शन वाइज अच्छे हैं और हेडर में सॉलिड है और सिलेक्शन भी अच्छा खासा है। तो आपको इनके डिफेंस किसी के साथ जाना है, मे बी बोनुची डी लोरेंजो में किसी के साथ जा सकते हैं। अभी के लिए वैसे तो मैं एक भी पिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इन दोनों में किसी के साथ श्योरली जा सकते हैं। और इनकेस इटली एक रिवर्स क्लीन शीट रख लेती है, +20 है उसके भी दे देंगे। तो फिलहाल मेरी नंबर वन जो है लोरेंजो रहेंगे, सेकंड बोनुची रहेंगे, बट आप इसका इजीली रिवर्स कर सकते हैं। कियालिनी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, एमर्सन अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऑल दो असिस्ट पोटेंशियल है, लेकिन फेवरेट अर्जेंटीना है तो मैं इनके ज़्यादा डिफेंडर पिक नहीं करूंगा। मिडफील्ड में जॉर्जिनियो मस्ट पिक रहेंगे और हो सकता है आपको पेनल्टी में भी दिखाई दे, ऑल दो इंसिनी और जॉर्जिनियो में 50-50 रहेगा, क्योंकि लास्ट कुछ पेनल्टीज जॉर्जिनियो ने मिस किया, इटली के लिए भी चेल्सी के लिए भी उतनी अच्छी पेनल्टी रिसेंटली नहीं ले रहे, लेकिन विदाउट गोल असिस्ट इसके लिए 20-30 से पॉइंट आपको दे सकते हैं। आपको याद होगा चेल्सी में हम कितने मैचेस में इनको पिक करते हैं, ये अच्छे खासे फैंटेसी वाइज पॉइंट देती हैं, टैकलिंग इंटरसेप्शन पासिंग के डिसेंट असिस्ट पोटेंशियल भी है। तो अभी के लिए मैं जॉर्जिनियो के साथ जा रहा हूँ। पेसिनो में इग्नोर कर रहा हूँ, कभी कभी आगे रैंडम गोल मार जाता है, बट ग्रैंड लीग में ही रिकमेंड करूंगा, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मोस्टली टाइम जल्दी सब्स्टिट्यूट होता है, इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है। और अगर इनके प्लेस में विराती खेले वो जरूर मस्ट पिक रहेंगे, बट अगर पसीना खेलते अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं जॉर्जिनियो के अलॉन्ग साइड पिक करूंगा निकोला बरेला को, बहुत अच्छा प्लेयर है, इंटर के लिए बहुत अच्छा सीजन किया है, अटैकिंग मिडफील्ड में खेलता है, इस पोजीशन से कभी भी गोल असिस्ट कर सकता है, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल है। तो मैं अभी के लिए बरेला के साथ जा रहा हूँ अलॉन्ग साइड जॉर्जिनियो। हाँ, अगर मुझे विराती खेलते हुए दिखाई दे पसीने वाले प्लेस में, तो मैं विराती पहले प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर टू बरेला। फॉरवर्ड में ज़्यादा क्वालिटी नजर नहीं आ रही, इमोबिले है नहीं, केएसआ बिराडी है नहीं, तो बन्नन डेस्की को राइट विंग में स्टार्ट मिलेगा। जुवेंटस के लिए बिल्कुल अच्छा सीजन नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा खास इटली के लिए भी नहीं किया, तो ग्रैंड लीग में ही ट्राई करूंगा। इंसिनिया मेरे अकॉर्डिंग मस्ट पिक रहेंगे अगर स्टार्ट करते हैं, वैसे इंजरी डाउटफुल है, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है पेनल्टी में वो जॉर्जिनियो और ये इनका 50-50 कॉल है, और दूसरा कॉर्नर किक फ्री किक वगैरह लेते हैं और इनके बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है, गोल असिस्ट कर सकते हैं, नेपोली के लिए खेलते थे, अब दूसरे क्लब में जा रहे हैं, MLS में जा रहे हैं, तो इंसिनिया मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट करें मस्ट पिक रहेंगे। बाकी इसका माका बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी नया इटली नेशनल टीम के लिए नया है, लेकिन ये ससोलो में इसने इस सीजन 15 या 16 गोल मारे हैं, जो सीरिया का क्लब है ससोलो, अच्छा स्ट्राइकर है। बट अभी के लिए मैं ना फॉरवर्ड में ऑलरेडी लोटारो मार्टिनेज, लियोनल मेसी और इंसिनिया पिक कर रहा हूँ, तो इसका माका के लिए स्पॉट ही नहीं है, तो इनको मैं ग्रैंड लीग में ही रिकमेंड करूंगा। अगर इंसिनिया नहीं खेले, अगर मान लीजिए नहीं खेलते क्योंकि इंजरी डाउटफुल है, तो हम पॉइंट ले सकते हैं इसका माका में। तो ये इटली की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डोनारमा है, डिफेंस मेरे अकॉर्डिंग डी लोरेंजो बोनुची है, जॉर्जिनियो बरेला है और लोरेंजो इंसिनिया है। पॉइंट लेने आप इसका माका और कियालिनी जैसे प्लेयर पे पॉइंट ले सकते हैं, बाकी पेनल्टी का कोई शोर नहीं है, इंसिनिया जॉर्जिनियो में कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल ये मैंने इनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के स्टैट लिखे हैं, आप ये स्टैट देख सकते हैं। अभी जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं एक 2-1 अर्जेंटीना विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ, ऑल्दो एक 2-0 अर्जेंटीना भी हो सकता है, ऑल्दो इटली इनको हराने में केपेबल है, बट मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट्स तो अर्जेंटीना ही रहेगी। तो ये मेरी डेमो ऑफ टीम है, गोलकीपर मैंने डोनारमा इटली के लिए, तीनों डिफेंडर अर्जेंटीना के लिए अकुनिया है, ओटामेंडी है, रोमेरो है, और चारों अटैकिंग प्लेयर मेसी जो मेरे कैप्टन है, लोटारो मार्टिनेज, रोड्रिगो डिपॉल और डी मरिया मैंने पिक कर लिए। यहाँ मैंने लोरेंजो इंसिनिया लिए, बरेला लिए और जॉर्जिनियो लिए। अगर विराती खेलते हैं आई थिंक मैं बरेला वाले प्लेस में विराती को पिक कर सकता हूँ। कैप्टनसी में वैसे ही यूनिवर्सल कैप्टन रहेंगे, सेफेस्ट ऑप्शन। वाइस कैप्टनसी में आपके पास लोटारो मार्टिनेज बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप डी मरिया डिपॉल किसी को ही दे सकते हैं, अभी के लिए मैं दे रहा हूँ लोटारो मार्टिनेज को। बाकी आपको अगर 1-1 ड्रॉ होगा या अर्जेंटीना तो इटली थोड़ा डोमिनेट करेगी, आप इंसिनिया को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी, जो भी मेरी अपडेटेड फाइनल टीम होगी लाइनअप आने के बाद मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए।